The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar. Dosto, Diwali aa gayi hai. Happy Diwali to all of you. Aur Diwali mein कई लोग फटाके फोड़ते हैं, कई लोग नहीं भी फोड़ते, बाहर जाते हैं, इंजरी हो जाती है. सो आज का वीडियो है, अगर आपको फटाकों से, क्रैकर से या कहीं पे भी बर्न हो गया तो बर्न को कैसे मैनेज करेंगे, ये भी पता होना चाहिए भाई. नहीं, ठीक है, हुआ नहीं हुआ, पर पता तो होना चाहिए, नॉलेज शुड बी देयर. सो वॉच दिस वीडियो. सो बर्न इज द मोस्ट कॉमन इंजरी बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग दिवाली सीजन. और ये भाई साहब क्यों होता है आपको पता ही है, उल्टे सीधे तरीके के फायर क्रैकर्स ना ले तो बेहतर है. बाकी आपको करना ही है तो उसका वीडियो ऑलरेडी है, फायर क्रैकर्स कैसे फोड़ना, प्रिकॉशंस क्या लेना, गो एंड वॉच दैट वीडियो. डाइट और हेल्दी दिवाली का वीडियो जरूर देखना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हेल्दी. आपको पता भी नहीं है कौन कौन सी चीज हेल्दी है, कौन सी अनहेल्दी है, यू हैव नो आइडिया. गो एंड वॉच दैट वीडियोज, राइट, दोज वीडियोज रादर. सो लेट्स स्टार्ट. सो भाई, बर्न हो गया. बर्न मतलब क्या? बर्न मतलब आपके स्किन डैमेज हो गई है बिकॉज ऑफ हीट, ड्राई हीट या आग लग के वो स्किन की ऊपर की सुपरफिशियल लेयर या डीप लेयर तक भी डैमेज हो सकती है. ये आग से, फ्लेम से, स्टीम से, हॉट लिक्विड से, हॉट मेटल से, कई बार सनलाइट से, कई बार इलेक्ट्रिसिटी से या केमिकल से भी बर्न्स हो सकते हैं. बट यहाँ पर वैसे तो देखिए, दिवाली के बर्न्स तो फायर क्रैकर से, फ्लेम से, हीट से होते हैं, बट ज़्यादा कहीं से भी बर्न हो सकता है. बर्न तो बर्न है, राइट. और बर्न के वेरिएशंस होते हैं, बर्न की डिग्रीज होती हैं, राइट. डिग्री ऑफ बर्न, ये फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, राइट. सो फर्स्ट डिग्री वैसे सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे छोटा होता. फर्स्ट डिग्री इज गुड. सुपरफिशियल बर्न. सुपरफिशियल मतलब टॉप लेयर, स्किन की टॉप लेयर जो है वो रेड हो गई है, ड्राई हो गई है और बर्न जल रहा है लेकिन छिला नहीं है, राइट. सुपरफिशियल बर्न है एरिया, थोड़ी सी स्वेलिंग आ सकती है उसमें. और ये बर्न फर्स्ट डिग्री हो, ज्यादातर बर्न जो होते हैं फर्स्ट डिग्री होते हैं. जैसे आपको कोई चटका लग जाता है ना, कभी उठाते उठाते कोई, दैट आर दोज आर फर्स्ट डिग्री बर्न, कई बार वो होते हैं. सेकेंड डिग्री बर्न मतलब पार्शियल थिकनेस, स्किन की पार्शियल थिकनेस उड़ गई. इन्वॉल्व्स बोथ एपिडर्मिस एंड एपिडर्मिस इज द ऊपर का स्किन का लेयर और नीचे उसके होता है डर्मिस. जो एपिडर्मिस पूरा निकल गया और डर्मिस है, तो इसमें एरिया जो है या निकल गया या इन्वॉल्व हो गया, मतलब जरूरी नहीं है कि छीली जाएगा बर्न में. ये मतलब बर्न वहां तक गया है. ये भी हो सकता है ना कि ऊपर का चमड़ी इंटैक्ट है लेकिन अंदर तक बर्न गया, इफेक्ट ऑफ बर्न अंदर तक गया, डर्मिस तक, पार्शियल थिकनेस तक बर्न गया है. मतलब वहां तक हीट ने उसको कर दिया, जला दिया, लिटरली बॉइलिंग, थोड़ा सा हिला दिया, दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज देयर. सो इसमें भी पूरा का पूरा एरिया रेड हो सकता है. उसमें फिर पानी रिस्क के, जब ब्लिस्टर आ जाता है ना, ब्लिस्टर, दोज आर ब्लिस्टर, ब्लिस्टर आता है सेकेंड डिग्री बर्न में. और वो ब्लिस्टर ओपन भी हो सकता है, फट भी सकता है, पानी निकलते रहेगा उसमें, फिर ब्लिस्टर उसे भी हो सकते हैं. और स्किन पूरी वेट वेट ऐसी लग सकती है. दीज आर वेरी पेनफुल, यूजली वेरी 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 पेनफुल. और जो एरिया है उसमें स्वेलिंग तो रहेगी रहेगी. ये सेकेंड डिग्री. थर्ड डिग्री मतलब फुल थिकनेस. फुल थिकनेस मतलब दोनों लेयर डिस्ट्रॉय हो गए, एपिडर्मिस डर्मिस, और पूरी की पूरी स्किन तक, मसल तक उस आपके, इवन हो सकता है मसल, वहाँ की जो खून की नस है, वहाँ की जो इलेक्ट्रिकल नस है, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, इवन बोन तक बर्न हो सकती है. बोन तक बर्न गई हो सकती है, हीट गई हो सकती है, दैट्स द आइडिया. सो इसमें क्या होता है, अंडरनीट कई बार छिल जाता है, कई बार वो निकलने लग जाता है, कई बार वाइट वाइट दिखने लग जाता है. सो फुल डिग्री, फुल थर्ड डिग्री बर्न्स बहुत डेंजरस होते हैं. सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों डिग्री के बर्न्स हो सकते हैं दिवाली में भी, वैसे भी कई सारे हादसों में. सो आपको पता होना चाहिए क्या करना क्या नहीं, डूज एंड डोंट्स ऑफ बर्न्स. नंबर वन, डूज, लाइक क्या करना है और फिर क्या नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले बात करते क्या नहीं करना, राइट. कोई भी बर्न हो उसको पानी के नीचे, बहुत तेज प्रेशर वाले पानी के नीचे नहीं रखना, वरना वो क्या हो जाएगा, फुस छिल जाएगा, राइट. उसके जो स्किन है ऑलरेडी बर्न हो गई है, वो तो पानी उसको छिल के ले जाएगा. सो बहुत तेज प्रेशर, एक्सट्रीम वाटर प्रेशर के अंडर नहीं रखना, राइट. और अगर कोई बर्न एरिया पे कपड़ा चिपक गया हो तो उसको खींच के नहीं निकालना, उसको नहीं निकालना, राइट. और बटर या ऑइंटमेंट या ऑयल नहीं लगाना है उस अफेक्टेड एरिया में. बटर
राइट, ऑइंटमेंट ऑयल, बटर का बटर, ये सब चीजें नहीं लगानी है, और या आइस भी नहीं लगाना, राइट, क्योंकि वो आइस क्या करेगा, उसका हीलिंग टाइम कम कर, तो आइस भी नहीं लगाना है उस पर। और ब्लिस्टर होगा ना, फुलफुले फुफुले, फोड़ना नहीं उसको, फुफुले को फोड़ना भी नहीं और फूटने भी नहीं देना। सो दीज आर द बेसिक रूल्स, राइट। करना क्या है, सी ऑब्जेक्टिव क्या होता है बर्न का, कि आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, आप इन्फेक्शन हो जाए, फैल ना जाए। सो इसलिए क्या करना है, जो बर्न हो गया इमीडिएटली क्या करना, उसको ठंडे पानी में डुबा देना है, उसको पानी में डुबाना है, उसको पानी उसके नीचे नहीं रखना, नल के नीचे नहीं रखना, उसको ठंडे पानी में या नॉर्मल से ठंडे पानी में डुबा दो, राइट। और डुबा के, या फिर जो ठंडे पानी में डुबा कपड़े को भिगो के क्लॉथ को रख के उसके ऊपर रख दो, ऐसे कर सकते हो, उसको सोक करके रख दो, ऐसे भी कर सकते हो, डुबा भी सकते हो, ये भी कर सकते हो, और उसके ऊपर से सारे गहने और उल्टी सीधी चीजें हटा दो, जहां बर्न एरिया है वो हटा दो, कोई क्लॉथ है, कंस्ट्रिक्टिंग क्लॉथ है तो निकाल दो, चिपका है तो नहीं निकालना, एज आई ऑलरेडी सेड, राइट। और इस एरिया को एक स्टराइल ड्राई ड्रेसिंग से, ड्राई ड्रेसिंग से कवर कर देना है, सिंपल कॉटन से नहीं कवर करना है, या कोई फ्लफी मटेरियल से नहीं करना है, गॉज पीस से, पट्टी से करना है, पट्टी जो व्हाइट वाली पट्टी आती है ना, गॉज पीस, नॉट कॉटन, कॉटन नहीं लगाना, चिपक जाएगा कॉटन बहुत गंदी तरह से। सो गॉज पीस से, कॉटन से, और उसके ऊपर लगाने वाली जो क्रीम होती है ना, जो एक सिल्वर सल्फाजलीन का क्रीम होती है, सिल्वर सैलिसिलिक एसिड, सिल्वर सल्फाजलीन एसिड होती है, वो लगा सकते हो, राइट। सो उसके बाद आप उसको क्या कर सकते हो, अगर अगर मान लो आप, एक और चीज के बारे में बताते हैं, अगर मान लो आप कोई आग लग गई तो क्या करोगे, अरे बाप रे डॉक्टर साहब ये क्या बोल दिया। जी हाँ, अगर आपको आग लग गई तो क्या करोगे, सिंपल सी चीज है, ड्रॉप जमीन पे लेट जाइए, कवर योर सेल्फ विथ वॉट एवर क्लोथ यू हैव, राइट, कवर कर लो अगर कोई क्लोथ आ रहा है, और रोल करना शुरू करो, आग अंदर बंद हो जाएगी, रोल करोगे ना तो वो बुझ जाएगी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और अगर कोई दूसरे पर्सन जल रहा है तो उसको ब्लैंकेट से कवर करो, पहला काम करो, कवर करते हो वैसे ही आग बुझ जाती है, दैट इज वेरी वेरी गुड थिंग, सो कवर करना है वो इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई थर्ड डिग्री बर्न से आता है तो सबसे जरूरी चीज है उसका एयरवे देखना, सांस ले पा रहा है या नहीं, क्योंकि थर्ड डिग्री बर्न में सारी चीज ऐसी सिकुड़ सी जाने लगती है और सांस की नली बंद सी हो सकती है, सो देखो वो सांस ले पा रहा है या नहीं, नहीं तो इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाइए, गर्दन को ऊपर, हेड को टिल्ट करके रखिए ताकि सांस की नली खुली रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्किन के ऊपर क्लॉथ रह सकता है, क्लॉथ थोड़ा रखिए, लेकिन जहां बर्न हुआ है वहां से थोड़ा थोड़ा हटा सकते हैं, और आर्म, हाथ, लेग, हैंड्स को एलिवेट करके रख सकते हैं ताकि बेसिकली सर्कुलेशन जो है पैर दिमाग की तरफ जाए, राइट, हाथ को और पैरों को दिमाग की तरफ ब्लड सर्कुल, ये नहीं शॉक में चला जाए पेशेंट, वो इंपॉर्टेंट है, ब्लड वहां तक जाए, तो आर्म्स को एलिवेट करके हॉस्पिटल लेके जाइए पेशेंट को, तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए, थर्ड डिग्री बर्न्स डेंजरस होते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। सो ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे तो बर्न्स छोटे और बड़े हैं, आप अपनी और अपने साथ में रहने वाले लोगों की, अपने जानने वालों की जान बचा पाएंगे। तो ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हो ना हो नॉलेज इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नॉलेज इज प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज क्योर, राइट, बहुत जरूरी है। दोस्तों को बताइए, शेयर करिए, लाइक करिए, दिवाली मनाओ, मस्त बढ़िया मनाओ, जो मर्जी करो, लेकिन हेल्दी वाइज थोड़ा सा ओरिएंटेड रहो, राइट, एजुकेशन बहुत जरूरी है, लाइक जरूर करो वीडियो को, क्योंकि आप लाइक नहीं करोगे तो यूट्यूब इसको दूसरे को रेकमेंड नहीं करेगा, जितने ज्यादा लाइक उतना रेकमेंडेशन, सिंपल है, मैं कोई टारगेट नहीं रखता 25,000, 45,000, 50,000, आई डोंट नो, राइट, आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए, ओके, थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।